हाँ जी, ब्रैम्पटन दे विच 2 साल का कोर्स पूरा करने तो बाद ते पॉपाइज़ ते 1 साल का एक्सपीरियंस पूरा करने तो बाद जो मेरा वर्क परमिट सिर्फ 1 साल का रह गया तो मैंने समझ नहीं आ रही सी कि मैं PR का की हल करा। ऑनलाइन सर्च करके किलोना VC दे विच एक जॉब का पता किया तो कहते कि 6 महीने बाद PNP दे देंगे। मैं फ्लाइट बुक की बट अचानक ही मन के सवाल आया कि क्यों ना कंसल्टेशन लेती जाए। मैंने अपने डिसीजन से डाउट हो रहा सी तो मैं माईवे इमीग्रेशन में रीच आउट किया तो उन्होंने नोवा स्कोशिया मूव होने की सलाह दी। अपनी टिकट कैंसिल करा के नैक्सट डे ही मैं अपने क्लासमेट नाल हेलीफैक्स नोवा स्कोशिया में चल पिया। उत्थे ऑलरेडी मेरे पुराने आड़ी रहिंदे सी कैम्ब्रियन कॉलेज वाले। 3 दिन च जॉब मिल गई ते जॉब दे पहले दिन पेपर मिल गए। तीजे पे चेक ते PNP लाउन तो बाद अपनी थोड़ी जी टेंशन घट हुई। ड्यूरिंग द फाइल मैनू इंप्लॉयर चेंज करना पै गया। न्यू जॉब ते हाले 2 वीक ही होए सी काम करदिया कि वो कहें कि असी पेपर 3 महीने बाद देवे। आपां फिर थोड़ा जहा होर हार्ड वर्क किया न्यू जॉब सर्च कर ली तो आपां नूं जॉब मिल गई ट्रूडो नाँ दे एक छोटे जे पिंड विच जो कि नोवा स्कोशिया के विच ही है ते वो हैलीफैक्स तो 100 किलोमीटर दूर आ जिथे मैं एज अ लाइन कुक ज्वाइन किया। न्यू जॉब ते काम करदे 1 मंथ ही होया सी तो अपनी PNP आ गई। ते इत्थे पिंड की गल करिए तो पिंड बहुत सोहना है, बहुत ही शांति है इत्थे ते इत्थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैगियां। सिर्फ इत्थे ही नहीं जिन्हें भी नाल नाल छोटे छोटे पिंड ने जिन्हें भी नोवा स्कोशिया विच सब जगह सानू पेपर वर्क ईजीली मिल जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही इंप्लॉयर्स PR सपोर्टिंग ने ते सानू पेपर वर्क दे देंगे। जे थोड़ा भी कोई मूव होने का डिसीजन है तो किसी भी अटलांटिक प्रोविंस में चुन सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग च। बहुत बहुत धन्यवाद।